कांग्रेस में शामिल होने से इनकार करने के बाद सपना चौधरी ने एक और बड़ा दांव चल दिया। खबरें हैं कि सपना चौधरी कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में जाने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि इन खबरों की वजह से सपना चौधरी की खूब किरकिरी भी हो रही है। वो इसलिए कि पिछले 36 घंटों में सपना चौधरी कांग्रेस से लेकर बीजेपी के चक्कर लगा चुकी हैं। कांग्रेस में तो उनकी एंट्री की भी खबरें आ गई थी। राज बब्बर ने ट्विटर पर उनका स्वागत भी कर दिया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता नरेंद्र राठी ने सपना चौधरी को पार्टी की सदस्यता दिलाने की तस्वीरें तक सार्वजनिक कर दी थी, लेकिन सपना चौधरी ने सारी बातों को गलत बता दिया और इससे भी साफ इनकार कर दिया कि वो कभी कांग्रेस में शामिल हुई थी। सबसे बड़ी बात जो है, जहां आप कंफ्यूज हो कि मैंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। सपना चौधरी के दावे पर कांग्रेस हक्का बक्का रह गई। मामले में इससे बड़ा मोड़ तब आया जब सपना चौधरी ने खुद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। सपना चौधरी ने ये तस्वीरें कांग्रेस में शामिल होने से इनकार करने के बाद सोशल मीडिया पर शेयर की थी, लेकिन ऐसी चर्चा है कि मनोज तिवारी से सपना चौधरी की मुलाकात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही हो गई थी और इसका इशारा मनोज तिवारी के साथ आई उनकी तस्वीरों से मिला। सोमवार को जब दिन में सपना चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो पिंक ड्रेस में थी। मनोज तिवारी से उनकी मुलाकात की तस्वीरों में भी वो वही पिंक ड्रेस पहने हुई थी। इसी तरह मनोज तिवारी ने सपना चौधरी से मुलाकात के वक्त जो शर्ट पहनी थी, उसी शर्ट में उन्हें सपना चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद देखा गया था। इसलिए चर्चा तेज हो गई, कहीं सपना चौधरी ने बीजेपी में जाने के लिए कांग्रेस में अपनी 18 घंटे की पारी को तो खत्म नहीं कर लिया। उन्होंने ये खुद फॉर्म भरा, खुद उन्होंने सिग्नेचर किए और खुद उन्होंने जो है ये हमने उनको जो है सदस्य की रसीद दी। कांग्रेस ने सपना चौधरी और बीजेपी के बीच सियासी खिचड़ी पकने का शक जताया और इस मामले में मनोज तिवारी की भूमिका पर सवाल उठने लगे।